43 को ड्रॉप कर देते हैं। आइटम नंबर 45, सरदार अयाज सादिक साहब मौजूद नहीं हैं। आइटम नंबर 47, जनाब मोहसिन दावर साहब आइटम नंबर 47 पेश करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, ये मेरा और सरदार अख्तर मुश्तरका बिल था, क्योंकि वो है नहीं तो मैं उसको पेश करूंगा। आई मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द पाकिस्तान पेनल कोड 1860 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 सेक्शन 365C। जनाब स्पीकर, इसमें बुनियादी तौर पर जनाब स्पीकर तवज्जो चाहूँगा। स्पीकर साहब, आपको भी पता है कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कितना सीरियस इशू है और कितनी बेचैनी है बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। इस इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को रोकने के लिए शेरी मजारी साहब आकाश यहाँ पर मौजूद होती है, अच्छा मौजूद है, तो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस बिल में हमारा साथ दें और इस बिल की मुखालफत कम अज़ कम ना करें, क्योंकि इस चीज़ को हमने रोकना है और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को हमने क्रिमिनलाइज करना है। इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस में जो लोग भी मुलविस हो उनके लिए पाकिस्तान के कानून में हमने सही जी उम्र कैद की सजा डाल दी होगी। इसके जी जनाब शौकत अली साहब बताएं जी। डिप्टी स्पीकर साहब, ये लाइन आर्डर सिचुएशन जो है अब 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों के हवाले हो गई है, तो ये इनका जो बिल है हमने सूबों को लेटर कर दिया है होम डिपार्टमेंट को। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें थोड़ा वेट कर लें कि उनसे भी आउट इनपुट आ जाए, फिर उसके बाद इस पर डिसीजन करें। आपने रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूं। जी सवाल यह है कि मजमुआ ताजीरात पाकिस्तान 1860 और मजमुआ जाब्ता फौजदारी 1898 में मजीद तरमीम करने का बिल, फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2020 दफ़ा 365 जीम पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब ना में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आइटम नंबर 49, सरदार अयाज सादिक साहब भी मौजूद नहीं हैं। जी जी बताएं जी मोहसिन दावर साहब। यहाँ पर जी उनका रिस्पांस ये था कि ये सूबे, देखिए जी ये तो पूरे मुल्क का मसला है, पेनल कोड में हम भी वो ये तो कोई नहीं कि मिसाल ये सिर्फ प्रोविंशियल वो हो गया। दूसरी बात यह है जी कि ये बिल कब से यहाँ पर एजेंडे पर पड़ा है, मतलब अभी तक सूबों का फीडबैक नहीं आया। इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस से मैंने हाउस से जी वो सेंस लिए आपके सामने जो हाँ नाम में जो हुआ है वो मैंने पूरे हाउस से पूछा है, जमहूरी तरीका अपनाया और उससे पूछा है। आइटम नंबर 51, जनाब मोहसिन रांझा साहब आइटम नंबर 51 पेश करें। तुमने पढ़ना है।